हेलो बच्चों, कैसे हो तुम सब? क्या नई कहानी सुनने के लिए तैयार हो? देखो, मैं तुम्हारा मुन्ना चाचू फिर से लेकर आ गया हूँ अपने कहानियों का पिटारा। आज मैं तुम्हें अकबर और बीरबल की एक मशहूर कहानी सुनाऊंगा, जिसे सुनकर तुम भी मान लोगे कि आखिर बीरबल कितना बुद्धिमान था। तो आओ सुनते हैं कहानी बीरबल की खिचड़ी। एक बार की बात है, अकबर और बीरबल एक तालाब के पास से गुजर रहे थे। सर्दियों का मौसम था, ना जाने अकबर को क्या सूझी कि उन्होंने तालाब के ठंडे पानी में अपनी अंगुली डाल दी, लेकिन फौरन ही उन्होंने अपनी अंगुली उस ठंडे पानी से बाहर निकाली और बीरबल से कहा, मुझे नहीं लगता कि कोई इस ठंडे पानी में रात भर खड़ा रह पाएगा। बीरबल ने महाराज की इस बात को एक चैलेंज के रूप में लिया और कहा कि जहां पनाह इंसान सब कुछ कर सकता है, मैं ऐसा इंसान ढूंढ लूंगा जो रात भर इस ठंडे पानी में खड़ा रह सकता है। अकबर ने कहा, ठीक है, राज्य में ये घोषणा करवा दो कि जो भी इंसान रात भर इस तालाब में खड़ा रहेगा उसे 1000 सोने के सिक्के इनाम में दिए जाएंगे। अकबर की यह घोषणा सुनकर एक गरीब किसान रात भर ठंडे पानी में खड़ा होने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि उसे अपनी बेटी की शादी करनी थी और उसे धन की बहुत जरूरत थी। उसने सोचा कि 1000 सोने के सिक्के से वो अपनी बेटी की शादी धूमधाम से कर पाएगा। वो किसान हिम्मत करके तालाब के पानी में उतरा और सर्दी के मौसम में भी वो रात भर पानी में खड़ा रहा। उस पर नजर रखने के लिए अकबर ने 2 सिपाही पहरेदार के रूप में लगा दिए थे। सुबह उस गरीब किसान को शहंशाह के दरबार में लाया गया ताकि उसे इनाम दिया जा सके। अकबर ने उस किसान से पूछा, तुम कैसे रात भर ठंडे पानी में खड़े रह सके? इस पर किसान ने कहा, जहां पना जब मैं पानी में खड़ा था तब मैं लगातार एक दिए को देख रहा था जो आपके महल में जल रहा था, और उस दिए को देखते हुए मैं पानी में खड़ा रहा। ये सुनकर अकबर ने कहा, तुम इनाम के हकदार नहीं हो क्योंकि तुम्हें दिए की रोशनी से गर्मी मिलती रही, जाओ। ये सुनकर उस गरीब किसान का दिल टूट गया। उसने बीरबल से कहा कि इनाम दिलाने में वो उनकी मदद करे। बीरबल बुद्धिमान तो था ही, लेकिन बड़ा दयालु भी था। उसने उस किसान से कहा, तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगले दिन हुआ ये कि बीरबल दरबार में नहीं पहुंचे। बीरबल को दरबार में ना पाकर अकबर ने एक सैनिक को उन्हें बुलाने के लिए भेजा, लेकिन सैनिक अकेले ही दरबार में लौटा और अकबर को बीरबल का संदेशा सुनाया। सैनिक ने कहा, जहां पनाह बीरबल खिचड़ी बना रहे हैं, उन्होंने कहा कि खिचड़ी बनते ही वो दरबार में हाजिर हो जाएंगे। जब बहुत देर हो गई तो अकबर के सब्र का बांध भी टूट गया। वो खुद बीरबल को देखने के लिए चल पड़े। जब सभी दरबारियों को लेकर अकबर बीरबल के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बीरबल ने 2 लंबी बांसों के ऊपर चावल से भरी हांडी बांध कर रखी है और नीचे जमीन पर आग जल रही है। अकबर ने बीरबल से पूछा, ये क्या तमाशा है बीरबल? बीरबल ने बड़ी ही विनम्रता से कहा, हुजूर, खिचड़ी बना रहा हूं। ये सुनकर अकबर हंसने लगे और कहा, अरे आग से इतनी दूर भला खिचड़ी कैसे पकेगी? तो बीरबल ने कहा, जरूर पक जाएगी जहां पनाह। अकबर ने पूछा, कैसे? तो बीरबल ने कहा, जब किसान को दूर महल में जल रहे दियों से गर्मी मिल सकती है तो उसकी खिचड़ी क्यों नहीं पक सकती? अकबर को बीरबल की बात समझ में आ गई और उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। अकबर ने तुरंत उस गरीब किसान को अपने दरबार में बुलाकर इनाम के 1000 सोने के सिक्के दिए। गरीब किसान खुशी खुशी अपना इनाम लेकर घर चला गया और अपनी बेटी की शादी की तैयारी में जुट गया। बीरबल ने एक बार फिर अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर सभी को हैरान कर दिया। हर तरफ बीरबल के इस सूझबूझ भरी समझदारी की चर्चा होने लगी। अकबर ने बीरबल को गले से लगा लिया और बोला, मान गए बीरबल, तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं है।
देखा बच्चों, बीरबल ने कैसे अपनी बुद्धिमानी से उस गरीब किसान की मदद की। तो बच्चों, ये थी अकबर और बीरबल की आज की कहानी। ऐसी कई और रोचक और मजेदार कहानियां हैं मेरे पिटारे में, जो मैं यानी तुम्हारा मुन्ना चाचू तुम्हें सुनाता रहूंगा। ओके बच्चों, फिर मिलेंगे। तब तक चलो अब आराम से सो जाओ। गुड नाइट।